भारत सिर्फ अपनी सभ्यता, खूबसूरती और अनोखेपन के लिए ही नहीं, बल्कि भारत अपने रहस्यों के लिए भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। अब चाहे बात हो भानगढ़ के किले की या 4000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त होने की, भारत ऐसे ही अनोखे रहस्यों से भरा हुआ है। आइए जानते हैं भारत के कुछ ऐसे ही अनदेखे, अनसुने और अनसुलझे रहस्यों के बारे में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसे ही रहस्यों में से एक रहस्य है लद्दाख के कोंगकला पास का। यह भारत और चाइना के बीच का एक नो मैन्स लैंड है। एक विवादित क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर भारत और चाइना दोनों ही इस पर करीब से नजर रखते हैं, लेकिन सिर्फ ये दोनों ही नहीं, कोई तीसरा भी है जो इस भूमि पर नजर रखता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर अक्सर UFOs यानी उड़न तश्तरियों को देखा जाता है, और साथ ही साथ भारत और चाइना की सरकारें भी इस बात से भली भांति अवगत हैं और इस बात को बहुत गुप्त रखती हैं। कोढ़िनी केरला में स्थित एक गांव है जिसे जुड़वा बच्चों के गांव के नाम से भी जाना जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि जहाँ भारत में जुड़वा बच्चे 1% से भी कम है, कोढ़िनी में यह आबादी 45% है। इस गांव के ज्यादातर घर में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। इस विचित्र घटना को समझने के लिए आज तक कोई सटीक स्पष्टीकरण नहीं मिला है। जतिंगा भारत के असम का एक छोटा सा शहर है जो कि एक अनोखी और विचित्र गतिविधि के लिए बेहद मशहूर है। आज तक आपने जहाजों और हवाई जहाजों के गायब होने के बारे में सुना होगा, पर क्या आपने कभी चिड़ियों के झुंड को गायब होते हुए सुना है? यहाँ रहस्यमय तरीके से चिड़ियों के झुंड गायब हो जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ का तापमान और ऊंचाई इसके मुख्य कारण हैं, पर असलियत आज तक किसी को भी मालूम नहीं। 6 से 9:30 के बीच शाम में पक्षियों का जो भी झुंड यहाँ से गुजरता है वह बहुत ही विचित्र तरीके से जान गंवा देता है। कुलधारा एक 500 साल पुराना गांव है। जैसलमेर राजस्थान में स्थित इस गांव के 1500 लोगों की जनसंख्या अचानक एक दिन गायब हो जाती है, और ये रहस्य आज भी एक रहस्य ही है कि आखिर ये सारे लोग कहां और कैसे गायब हो गए। लोगों का मानना है कि ये एक श्राप का नतीजा है जिसके चलते यह गांव कभी बस नहीं सकता। तब से ही इस गांव को श्रापित माना जाता है, और कई कोशिशों के बाद भी आज तक ये गांव बंजर पड़ा हुआ है। जोधपुर में सुने गए विस्फोट की आवाज का रहस्य भी रहस्य बनकर ही रह गया है। 2012 में सुनी गई उस विस्फोट की आवाज का स्रोत आज तक मालूम नहीं चला है, और सिर्फ जोधपुर में ही नहीं बल्कि US और UK में भी इस तरह के विस्फोट की आवाज सुनी गई है। पर इस बात का स्पष्टीकरण देना मुश्किल है कि ये विस्फोट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या नहीं।